हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शेपू चिकन कीमा या फिर आप कह सकते हो सुआ चिकन कीमा की रेसिपी तो चले जानते हैं कैसे बनाते हैं ज़बरदस्त से चिकन कीमे की रेसिपी को सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो सुआ चिकन कीमा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वन के चिकन कीमा और हम ऐड करेंगे दो लार्ज अनियन दो लार्ज प्याज को हमने कुछ इस तरह से चॉप कर लेना है जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं हम यूज़ करेंगे वन कप धनिया के पत्ते हमें सिर्फ पत्ते लेना है स्टेम्स नहीं और मैं यूज़ करने वाली हूँ दो आलू जिसे मैंने हाफ़ कट कर इसे फ्राई कर लिया है अनटिल हाफ़ डन अगर आप आलू यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो और मैं यूज़ कर रही हूँ अराउंड दो हरी मिर्च जिसे मैंने हाफ़ कट कर लिया है आप अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो और हम इसमें ऐड करेंगे सुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में सुआ जिसे कि शेपू भी कहा जाता है और हम शेपू या फिर सुआ यूज़ करेंगे वन एंड हाफ कप जिसे हमने बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है इस रेसिपी के लिए हम एक पेस्ट एक मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए हम हरा धनिया टमेटो और मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे और इसीलिए हम यूज़ करेंगे हैंडफुल ऑफ हरा धनिया हरा धनिया हमने स्टेम्स के साथ यूज़ करना है जो स्टेम्स हमारे हरे धनिए की पत्ती साफ करते हुए बच गई थी उसे ज़ाया नहीं करना है हमने वो स्टेम्स भी यूज़ करना है और इसके अलावा मसाले के लिए हम यूज़ करेंगे तीन छोटी साइज़ की टमेटोज़ और चार हरी मिर्च आप हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो और हम यूज़ करेंगे टू टेबल जिंजर पेस्ट और वन एंड हाफ़ टेबल स्पूंस गार्लिक पेस्ट और इसमें डलेगा वन कप फ्रेश मटर इसके अलावा हमें चाहिए होंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि पांच हरी इलायची वन टीस्पून स्पून शाही ज़ीरा अराउंड टेन टू ट्वेल्व काली मिर्च और तीन तेज पत्ते और हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई पाउडर्ड मसाले जैसे कि टू एंड हाफ टी स्पून भर कर हम इसमें ऐड करेंगे ये होममेड मेड मसाला ये जो गर्म मसाला ये बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी रेसिपी लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर दे रखी है आप ज़रूर चेक करें और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे वन टी हल्दी पाउडर अराउंड टू टी स्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर वन एंड हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हम यूज़ करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुकिंग ऑइल हम यूज़ करेंगे अराउंड क्वार्टर कप आप कुकिंग ऑइल की जगह हाफ़ घी और हाफ़ ऑयल भी यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले हम चिकन कीमे में जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इस चिकन कीमे को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करना है मीन जब चिकन मैरिनेट हो रहा है मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर रखी है और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कुकिंग ऑयल ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारे खड़े मसाले मसालों के तड़कते ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज और प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लेना है हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये लाइट ब्राउन सी ना हो जाए और जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन सा होने लगे हम इसमें ऐड करेंगे हमारी मैरिनेट की हुई चिकन मीन्स कीमे को प्याज में ऐड करते ही हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें कीमे को भूनना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर और मीनवाइल वाइल हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं हमें धनिया टमाटोज और मिर्च को ग्राइंड कर एक फाइन पेस्ट फॉर्म कर लेना है और कीमा जब अच्छी तरह से भून जाए थोड़ा बहुत पक जाए और इसका कलर चेंज होकर इस तरह से वाइट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और इस मसाले को ऐड करते ही हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसे चलाते रहना है और हमें अराउंड वन मिनट तक इसे भूनना है या फिर हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से रॉ स्मेल न चली जाए और अब हम इसे कवर कर लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए पकने देंगे तो चले पाँच मिनट बाद हम कीमे को चेक कर लेते हैं और अच्छी तरह से एक बार फिर चला लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी फ्रेश मटर फ्राई किया हुआ आलू और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फाइनली चॉप किया हुआ सुआ या फिर शेपू और फिर हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से चला लेंगे और अगेन हम इसे कवर कर लो फ्लेम पर पाँच से सात मिनट के लिए पका लेंगे बेसिकली हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है इस रेसिपी में बस स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है भूनना है और कवर कर कुछ टाइम के लिए पकने देना है तो चले पाँच से सात मिनट बाद चेक कर लेते हैं कीमे का हाल और कीमा मुझे ऑलमोस्ट डन लग रहा है और ये थोड़ा ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड क्वार्टर टू हाफ कप पानी आ, वैसे ये कीमा ड्राई ही होता है इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं होती है और अमूमन इसे सर्व किया जाता है नान ब्रेड या फिर चपाती के साथ और हम प्रीफर करते हैं इसे ब्रेकफास्ट में खाना आ, मैं इसमें अराउंड क्वार्टर टू हाफ़ कप पानी ऐड कर लूँगी और अच्छे तरीके से चला लूँगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई पाउडर्ड मसाले और नमक और हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और तमाम इंग्रेडिएंट्स को फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर अगेन पाँच से सात मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम पका लेंगे और बीच बीच में हमें इसे चेक भी करना है चलाते भी रहना है और इस बार हम कीमे को कम्प्लीटली डन होने तक पका लेंगे और हमें चेक करना है आलू जो हमने ऐड किए थे वो पूरी तरह से पक चुके हैं या नहीं और इस वक्त मुझे कीमा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं अराउंड क्वार्टर कप पानी और ऐड करूँगी और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे आ, हमारा चॉप किया हुआ हरा धनिया और फिर हम इसे अच्छी तरह से क्विकली मिक्स कर लेंगे और अगेन हम इसे कवर कर लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे और अब हमारा सुआ या फिर शेपू चिकन कीमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए आ, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और हम इसे मोस्टली वीकेंड्स पर या फिर किसी फेस्टिवल पर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए खाना पसंद करते हैं आप इसे सर्व करें नान चपाती ब्रेड या फिर इवन राइस के साथ और आज मैंने इस कीमे को सर्व किया है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सॉफ़्ट और मॉइस्ट से टर्किश नान के साथ और इस टर्किश नान की रेसिपी मैं अपने चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ इसीलिए स्टे ट्यून्ड और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये चिकन कीमे की रेसिपी और अगर आपकी कोई सजेशंस हो या फिर किसी रेसिपी की रिक्वेस्ट या फिर कोई क्वेरी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें और इस तरह की डिलीशियस रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू तो हिट द बेल आइकन